हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास टेंथ की एसएसटी में से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, और आज हम इसके एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, ईयर 2020-21 के लिए कोविड-19 की वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो अभी हम सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो आपको इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। ज्योग्राफी में आपको कुल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो आइए इसी श्रृंखला में हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। तो आइए इसके एमसीक्यूज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज सुगर केन टेक टू ग्रो, यानी कि शुगर केन को ग्रो होने में लगभग कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑलमोस्ट अ ईयर, यानी कि लगभग एक साल। शुगर केन टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। विच ऑफ दीज इज अ रबी क्रॉप, इनमें से रबी की क्रॉप क्या है। तो बताइए इसमें से रबी की क्रॉप कौन सी है, तो वो है ग्राम। रबी की क्रॉप कौन सी है, ग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ड्यू टू द हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स, यानी कि किसकी वजह से जो विंटर के मंथ्स में जो प्रिसिपिटेशन होता है वो किसकी वजह से होता है जो कि रबी क्रॉप की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसका सही आंसर है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड में शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो ये है ब्राज़ील। कौन है, इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील, और सेकंड नंबर पर है इंडिया। द आइडियल सॉइल फॉर मेज़ इज, यानी कि मेज़ मक्का, मक्का के लिए आइडियल सॉइल कौन सी है, तो ये है बांगर। कौन सी है, बांगर। इन व्हाट सीज़न डज मस्क मेलन ग्रो, मस्क मेलन कौन से सीज़न में ग्रो किया जाता है। तो वाटरमेलन हुआ, मस्क मेलन हुआ या कुकुम्बर हुए, ये सब किए जाते हैं ज़ैद के सीज़न में। वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर एंड फॉडर ग्रो इन द ज़ैद सीज़न। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट्स फॉर मोर देन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, यानी एग्रीकल्चर लगभग कितनी इंडियन पॉपुलेशन को रोज़गार प्रदान करता है, कितने परसेंट है वो। तो इसका सही आंसर होगा, गैस कीजिए, 60%। इसका सही आंसर है 60%। HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूजुअली यूज्ड इन, ये कौन सी, किस तरह की फार्मिंग में यूज़ किए जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये की जाती हैं कमर्शियल फार्मिंग में। किस में की जाती हैं, कमर्शियल फार्मिंग में। लाइक द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया हैज़ ऑल्सो विटनेस द, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह इंडिया में एक और रेवोल्यूशन हुई थी, और वो कौन सी थी, वो थी वाइट रेवोल्यूशन, जो कि हुई थी मिल्क के लिए, और इसका जो इनिशिएट गया था वो गया था अमूल को, यानी कि अमूल की स्थापना के साथ ही भारत में जो वाइट रेवोल्यूशन था उसको बहुत ज़्यादा बल मिला था। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, प्रोड्यूस फूड एंड अबंडन इट वैन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, वॉट इज इट कॉल्ड, ये कौन सा टाइप है एग्रीकल्चर का जिसमें फार्मर एक लैंड के पीस को साफ करते हैं, उस पर फसल उग जाते हैं, और जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल की, तो फिर उसको बंद कर देते हैं। तो ये कौन सा टाइप है, ये कहलाता है स्लेस एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओस, अमन एंड बोरो आर, ये क्या हैं, ये तीनों नेम किसके हैं, 3 एसेंशियल्स एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इम्पॉर्टेंट मिलेट्स या पैडी क्रॉप्स। तो इसका सही आंसर होगा पैडी क्रॉप्स, यानी कि ये 3 पैडी क्रॉप्स हैं जो कि आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में एक ही ईयर में बोई जाती हैं, और ये उनके लोकल नेम्स हैं। ग्रोन इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इनमें से ज्वार, रागी, बाजरा और बार्ले, इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मेनली ग्रोन होती है। तो इसका सही आंसर होगा ज्वार। ज्वार एक ऐसी क्रॉप है जो इन सभी स्टेट्स में बोई जाती है।
द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया इज, बाजरा के मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन है इंडिया में, गैस कीजिए कौन कौन है। तो पंजाब को छोड़कर ये सभी हैं, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया इज राजस्थान, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉट वॉज गिविन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर इन द कंट्री, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से सुधार किए गए। तो अब आप इसमें ऑप्शन देखिए, अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी किए गए थे। जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था, जो लैंड होल्डिंग्स थी उनको कंसोलिडेट किया गया था और उनको कलेक्टिवाइजेशन भी उनका किया गया था, उनको एक जगह ही इकट्ठा किया गया था। जो चकबंदी कार्यक्रम था वो अलग अलग बिखरे छोटे छोटे खेतों को एक साथ लाने का ही एक प्रोग्राम था। विच ऑफ दीज डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि लार्ज स्केल पर क्रॉप को ग्रो करने के लिए अपनाया जाता है। तो इसको हम जानते हैं किसके नाम से, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के नाम से, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि जो बड़े स्तर पर किया जाता है। द मेजर ड्रॉबैक या ड्रॉबैक्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज, इनमें से ड्रॉबैक कौन सा है इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए, यूज़ ऑफ HYV सीड्स नहीं है, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स नहीं है, भाई ये तो अच्छा है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये भी नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, डिपेंडेंस ऑन मानसून। भारत के जो अधिकांश किसान हैं वो अपनी फसल के लिए मानसून पर डिपेंड रहते हैं और यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया आर द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर्स ऑन द मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया वॉज मेड पॉसिबल ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द, यानी कि किसकी स्थापना के बाद भारत में एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हुआ। तो ये हुआ था किसकी वजह से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे कहा गया ICAR, शॉर्ट में इसको कहा जाता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया इज, ग्राउंड नट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो कौन है, ये है आंध्र प्रदेश। द मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर पंजाब एंड हरियाणा, यानी कि पंजाब और हरियाणा किसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, किस क्रॉप को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो सबको पता होगा, किसको करते हैं, वीट को, हरियाणा और पंजाब। ड्यू टू सूटेबल क्लाइमेट एंड मॉडर्न इनपुट्स वीट इज मेनली कल्टिवेटेड इन पंजाब एंड हरियाणा। व्हाट इज द पोजीशन डिड इंडिया एक्वायर इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड ड्यू टू द वाइट रेवोल्यूशन, यानी कि वाइट रेवोल्यूशन के बाद इंडिया की कौन सी पोजीशन हो गई मिल्क के प्रोडक्शन में। तो ये हो गई थी फर्स्ट पोजीशन, कौन सी हो गई थी, फर्स्ट पोजीशन। रागी इज नॉट कल्टीवेटेड इन, रागी इनमें से किस जगह कल्टीवेट नहीं होता, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम या पंजाब। द करेक्ट आंसर इज पंजाब, बाकी इन तीनों ही जगह पर इसको उगाया जाता है। द मेन फोकस ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज, इंडिया का जो पहला पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना या फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था लैंड रिफॉर्म पे, क्योंकि भारत का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, खेती, तो लैंड रिफॉर्म होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। द समर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, जो समर क्रॉपिंग सीजन है इंडिया का उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है खरीफ। देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन लैंड ड्यू टू, लैंड पर इनॉर्मस प्रेशर किसकी वजह से है, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, राइट ऑफ इनहेरिटेंस या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। द राइट आंसर इज राइट ऑफ
इनहेरिटेंस यानी कि जो उत्तराधिकार का नियम है उसकी वजह से जो लैंड है वो जल्दी जल्दी डिवाइड होती रहती है। इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, तो इंडिया कौन से नंबर का प्रोड्यूसर है राइस का, तो ये है सेकेंड लार्जेस्ट। और फर्स्ट कौन है भाई, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, फर्स्ट हो गया चाइना। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सिस इन द वर्ल्ड इफ़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ इंडिया, पल्सिस का जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वो कौन है जबकि जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया है, तो भाई कंज्यूमर भी इंडिया ही है। प्रोड्यूसर होने के साथ साथ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सिस इन द वर्ल्ड। इन मेघालय आसाम मिजोरम एंड नागालैंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, तो मेघालय आसाम मिजोरम और नागालैंड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है झूमिंग के नाम से। नेम द ब्लडलेस रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाई आचार्य विनोबा भावे, यानी कि ऐसी कौन सी क्रांति थी जो आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट की थी, ब्लडलेस थी वो यानी कि रक्तहीन थी। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन या भूदान ग्राम दान मूवमेंट्स, तो इसका सही आंसर होगा भूदान ग्रामदान मूवमेंट, यानी उन्होंने किसानों को जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनको कुछ ज़मीन दान देने का एक अभियान चलाया था जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से या भूदान ग्रामदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये चलाया था किसने, आचार्य विनोबा भावे ने, और भूदान ग्रामदान मूवमेंट इसका नेम था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके ज्योग्राफी के चैप्टर 4 से रिलेटेड थे। पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे अन्य आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।